जय गुरु जी संगत जी, बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरु जी के डेली के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुँचते रहें। संगत जी, अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, इस समय बहुत पवित्र श्रावण मास चल रहा है और अधिक मास भी चल रहा है, और इस सत्संग के अंदर गुरु जी की महाशिव के रूप में इतनी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत ब्लेसिंग्स हैं इस सत्संग के अंदर। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर के गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत हैं। हापुड़ से मीनू छाबड़ा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना, और गुरु जी का तो अनंतम अनंतम शुक्राना जो उन्होंने कल मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, कुछ दिन से जो मेरा पहले लेग में ऑपरेट हुआ है, उस लेग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैं उठ बैठ रही थी तो वो जैसे रॉड जो है ना, वो आपस में टच हो रही थी और मेरा जैसे अंदर मांस या नसें ना उसमें दब रही थी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं वो रॉड ब्रेक हो गई, क्योंकि बोन अभी तक जुड़ी नहीं है वो प्रॉपर पूरी। तो मुझे यही था कि कहीं मेरा दोबारा ऑपरेट ना हो, तो इसी वजह से हम लोगों ने डॉक्टर के पास जाने का भी प्रोग्राम बनाया और बेटी के कॉलेज भी देखने जाना था, क्योंकि उसका एडमिशन कराना है, तो हम कल कॉलेज भी देखने गए। संगत जी, मुझे उससे एक दिन पहले बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और सुबह भी मैं जैसे झुकी और उठी तो वो जैसे कड़क की सी आवाज़ आई, रॉड टच होती है हड्डी के साथ, तो वो कड़क सी आवाज़ सी आई। तो मैं बहुत डरी हुई थी कल कि कहीं मुझे डॉक्टर एडमिट ही ना कर ले कि मैंने दोबारा ऑपरेट करना है। संगत जी, बहुत डर डर के मैं गाड़ी में बैठी। मैंने अपने अंकल को भी नहीं बताया, वरना वो मुझे कहते कि वैसे ही मुझे सुनाते रहते हैं कि तू भागती दौड़ती रहती है, यू नो तुझे दिक्कत हो जाए कुछ, और बैठ जा रहा मुझे। तो मैंने कहा मेरे सत्संग बंद हो जाएंगे अगर ऐसे फिर हुआ तो। तो संगत जी, बस यही मन में अरदास गुरु जी से करके बैठे कि गुरु जी मुझे नहीं पता, पहले तो इसका एडमिशन का देखो, मुझे नहीं पता कि मैं चाहती हूँ कि दिल्ली नोएडा में कहीं हो जाए इसका, क्योंकि मैं दूर नहीं भेजूँ अपनी बेटी को, पास में हो जाए। बस ये अरदास करके निकली और गुरु जी को साथ लिया। तो जैसे निकले तो मैं गुरु जी से कह रही, मैं कहा गुरु जी आपकी अपीयरेंस चाहिए मुझे कि आप मेरे साथ हो। इतने में गुरु जी की गाड़ी दिखी और पेट्रोल पंप पे रुके तो इतनी सारी बटरफ्लाइज दिखी, बहुत सारी। तो मैंने कहा शुक्राना महाराज आप हमारे साथ हो, और आप हर जगह कॉलेज में आपने बात करनी है, मुझे नहीं पता क्या बात करनी है कैसे करनी है, आप देखो जो इसके लिए कॉलेज बेस्ट हो। महाराज ने दो कॉलेज बहुत अच्छे दिखाए, लगा भी कि हाँ वहाँ करवा दें एडमिशन। फिर संगत जी, जब लास्ट कॉलेज में हम बात करके हटे और मैं अब जाना था डॉक्टर के पास, तो गुरु जी से अरदास की, गुरु जी मुझे नहीं पता, देख लेना क्या करना है, डॉक्टर भी आप ही हो मेरे और सब कुछ, मुझे नहीं पता। संगत जी, फेसबुक खोला तो सबसे पहला ब्लेसिंग जो महाराज की, जो मैं गुरु जी से क्वेश्चन कर रही थी, सबसे पहले ब्लेसिंग आई कि फालतू दिन टेंशन लेके बैठी है, कुछ नहीं होना, सब ठीक है, मौज कर। बहुत शुक्राना महाराज का, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, डॉक्टर के पास गए, काफ़ी टाइम लगा और वहाँ पर तो संगत जी सब कुछ डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, लेकिन जो पहली वाली लेग है उसका हम अभी थोड़ा टाइम बाद उसकी बोन ग्राफ्टिंग करके, मतलब दोबारा ऑपरेट होगा, उसमें वो जगह फिल करेंगे आर्टिफिशियल, उससे बोन के चूरे से उसको पूरा फिल करेंगे, जैसे सीमेंट भरेंगे उसमें। तो वो बाद की बात है, इतना टेंशन नहीं, बाकी सब ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। शुक्राना महाराज का, वही शुक्राने किए महाराज के। संगत जी, फिर हम निकले वहाँ से, हॉस्पिटल से निकले तो थोड़ी दूर ही गए थे,
हमारी गाड़ी रेड लाइट थी, तो जैसे जाम लगा हुआ था हम पीछे रुके और गाड़ी हमारी बंद हो गई बीच रोड पे। अब पीछे से जैसे ग्रीन लाइट हुई, पीछे से हॉर्न बजने शुरू की गाड़ी। अब हमने कहा कि हमारी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, आप साइड से निकल जाइए। अब बीच में खड़े हैं, आप खुद सोचिए कि कैसा लग रहा होगा। अंकल के भी हाथ पैर पड़ गए कि गाड़ी कैसे बंद हो गई, नहीं समझ में आ रहा था। गुरुजी से अरदास, कुछ भी करो, आपके इतने एंजल आते हैं, हमने सुने हुए हैं, कुछ तो करो, हमारी गाड़ी बीच रास्ते में खड़ी है, कोई तो आए। इतने में ही संगत जी एक अंकल आए जिन्होंने ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, माथे पे चंदन का टीका लगा हुआ था। और वो अंकल आए, कहते क्या हुआ? हमने कहा कि हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो उन्होंने चेक किया तो कह रहे, अंकल ऐसे करो, मैं पीछे से धक्का लगा रहा हूँ, आप गाड़ी ना एक साइड पे ले जाओ ताकि बीच में से रोड क्लियर हो। उन्होंने सारी गाड़ियों को रोका, हमारी गाड़ी अकेले उन्होंने धक्का लगाया और अकेले हमारे को वो एक कॉर्नर पे जाके हमें छोड़ के कहाँ गायब हो गए हमें नहीं पता। जब तक हम पीछे मुड़ के देखा वो अंकल थे ही नहीं। संगत जी शुक्राना महाराज आए, हमें एक साइड पर ले गए। संगत जी जहाँ हमें खड़ा किया वहाँ पर साईं बाबा का मंदिर, और वहाँ महामृत्युंजय जाप चल रहा था। महामृत्युंजय जाप चल रहा था, अब गाड़ी स्टार्ट ना हो। वो उन्होंने किसी को वहाँ पर मैकेनिक कुछ खड़े हुए थे जैसे बड़ी गाड़ियों के खराब, वो बाइक पे थे, तो वो आके पूछने लगे कि क्या हुआ। हमने कहा ऐसे से गाड़ी स्टार्ट नहीं। उन्होंने देखा कुछ नहीं, उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि हम बड़ी गाड़ियाँ करते हैं तो ये छोटी गाड़ी नहीं। अब वहाँ पास में मंदिर, मैंने कहा चलो मैं मंदिर में माथा टेक के आती हूँ, शायद यहाँ पर माथा टेकना होगा। हमने उससे पहले शनिदेव का मंदिर और फिर वहाँ पर साईं बाबा का मंदिर। संगत जी मैं मंदिर में चली गई, वहाँ पर बाहर प्रसाद बट रहा था, चाय और समोसे प्रसाद। गरीबों की लाइन लगी हुई थी, मैंने कहा नहीं मुझे प्रसाद ऐसे गरीबों के मुंह का नहीं लेना, हमने नहीं लेना। संगत जी मैं मंदिर में चली गई, अंदर गई, वहाँ पर माथा वाथा टेका। टेक के जैसे ही बाहर आ रही थी तो उस मंदिर के पंडित जी बाहर से अंदर जा रहे थे, कहते हैं कि प्रसाद तो लेते जाओ, मंदिर में आए हो प्रसाद तो लेते जाओ। मैं वापस अंदर गई साईं बाबा के, वहाँ पे उन्होंने मुझे टीका लगाया और मेरे को प्रसाद दिया। मैं प्रसाद लेके बाहर आ गई, मैंने खाया, अपने अंकल को दिया। बारिश में हमने कहा चलो जो है महाराज देखेंगे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अब वहाँ बैठे बैठे वहाँ मृत्युंजय जाप चल रहा है और हम दर्शन। फिर क्या हुआ संगत जी, गाड़ी बंद थी तो अंदर गर्मी लग रही थी, हम बाहर खड़े हो गए, कोई बात नहीं, हमने कहा बाहर खड़े हो जाते हैं। मैकेनिक आ गया था, देख रहे थे, दो तीन मैकेनिक अपने आप आ गए। इतने में एक आंटी आई और मुझे देख के हंसी, मैंने भी स्माइल पास कर दी। और वो साड़ी पहने हुई थी, सुंदर सी आंटी थी, एजेड लेकिन बहुत सुंदर सी, बड़ी सी बिंदी लगाई हुई, मुझे देख के कहती हैं कि मैंने आपको देखा हुआ है। मैंने कहा नहीं आंटी मैंने तो नहीं देखा हुआ। कहते आप यहीं पटपड़गंज में रहते हैं? मैंने कहा नहीं आंटी मैं तो हापुड़ से आई। कह रही फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको देखा हुआ है? गुरु जी के? मैंने कहा हाँ जी गुरु जी के। फिर मैं भी जाती हूँ, आप भी गुरु जी को मानती हूँ? उन्होंने कहा हाँ मैं भी गुरु जी को मानती हूँ। मैंने कहा आप कब से जुड़े हो? कहते 22 साल से। मैंने कहा फिर तो आप गुरु जी से मिले होंगे। तब तक मुझे नहीं पता था वो कौन से गुरु जी की बात कर रहे हैं और मैं कौन से गुरु जी की बात कर रही हूँ। तो संगत जी बस ये बात हुई, तो कहते हैं कि अंदर दर्शन कराए आप? मैंने कहा आंटी इधर मंदिर में तो मैं कराई। कहते नहीं शिवलिंग के यहाँ जो गुरु जी ने स्थापित किया था, गुरुजी ने स्थापित किया था। तो मैंने कहा नहीं आंटी मैंने नहीं किया। तो आंटी कहते चलो मैं लेके चल रही हूँ। संगत जी वो आंटी मुझे अंदर लेके गई। अंदर वहाँ पर एक छोटा सा, बहुत छोटा सा जो शिवलिंग था, बहुत ही सुंदर शिवलिंग, मैं उसके भी अभी आपको दर्शन कराती हूँ। वो छोटे से शिवलिंग पे वहाँ पर मुझे ले जाके कहते हैं दर्शन कर लो। संगत जी मैं अंदर गई और जैसे तैसे मैं नीचे बैठी, मैंने वो शिवलिंग की जो गिलहरी होती है उस पर हाथ फेर रही थी। आंटी बोली पिंडी पे भी हाथ लगा? पिंडी पे भी?
मैंने पूरा पिंडी पे वो करा संगत जी, उस पे हल्दी थी, चंदन था, मुझे नहीं पता, पूरे चंदन से मेरे दोनों हाथ पे मेहंदी जैसे लग गई, पूरे येलो हो गए। और इतना प्यारा एहसास कि जैसे मैं अपने गुरु जी के चरण दबा रही हूँ, बिल्कुल वही एहसास मुझे हो रहा था। और संगत जी, जैसे ही मैं हटी वहाँ पर पिंडी पे गुरु जी के दर्शन, इतने सुंदर दर्शन कि मैं बता नहीं सकती। मैंने वही हाथ अपने माथे पे लगाया, त्रिकोण टाइप ऐसे पूरा हाथ फेर लिया और अपनी टांगों में जहाँ, वो बोली आंटी कि यहाँ पर जो भी मांगो वो पूरा होता है और 40 दिन अगर यहाँ पर दिया जला दो तो वो ज़रूर पूरा होता है। तो संगत जी मैंने कहा मैं 40 दिन तो आ नहीं सकती। मैंने अपने मन में ही यही कहा, उनका आप सबकी सुनते हो, आपने मुझे यहाँ पे अपनी प्रेजेंस दिखाई है महाराज, आप लेके आए हो, मुझे नहीं पता, मेरी बेटी का एडमिशन्स, और एक संगत आंटी के लिए बहुत अरदास करिए और अपना यही कि गुरु जी बस अब मेरी टांगों को ठीक कर दो, मैं थक गई, अब मैं दोबारा ऑपरेट नहीं करा सकती। तो संगत जी वहाँ से निकली, तो निकलने लगी तो मुझे वहाँ दूर्वा मिली गणेश जी की, और 3 पत्ते उसके बेलपत्र के। तो संगत जी जब मैंने वहाँ से उठाए तो वो 3 थे और दूर्वा। तो मैंने आंटी से कहा, आंटी ये मुझे, कहते आप तो बहुत भाग्यशाली हो, आपको तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे दी महाराज ने, आप बहुत वाकई बहुत लक्की हो। मैंने कहा शुक्राना, गुरु जी के दर्शन हुए तो कहते हैं देखो आपको दर्शन भी दे दिए, तो सच में आप बहुत भाव से आए हो, आपका कोई काम महाराज संभाल रहे हैं। मैंने कहा थैंक यू गुरु जी का। फिर आंटी बोले कि यहाँ पर ना एक काली माता का मंदिर है, वो काली माता इतनी सुंदर है, चलो मैं आपको उसके भी दर्शन कराती। मैंने कहा चलो। संगत जी मैं गई, टूटा फूटा हो रहा था मंदिर क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आंटी वो लेके गई, कहते ध्यान से आना क्योंकि यहाँ पर सारा टूटा फूटा हो रहा है। मुझे लेके गई और वहाँ पर जब हम गए तो क्या था संगत जी, वहाँ पे जैसे वो मंदिर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो काली माता की मूर्ति के आगे पिलर, तो जैसे हमने अंदर, आंटी ने अंदर देखा, कहते काली माता तो दिख नहीं रही। तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, सरस्वती माता के दर्शन हो गए हैं और माता रानी के हो गए हैं, तो इसका मतलब माता रानी, सरस्वती माता ने दर्शन दिए मेरी बेटी के लिए कि इसकी पढ़ाई आगे से अच्छे हो। मैंने सब बच्चों की अरदास लगाई कि माँ सबके बच्चों को अच्छे से पढ़ाई का हो देना। संगत जी फिर ना आंटी बोली पता नहीं काली माता की इन्होंने फ़ोटो हटा दी होगी शायद, तो इतने में मैंने देखा, मैंने कहा आंटी पता नहीं पीछे से ना रेड चुन्नी दिख रही है पिलर के, अंदर जाके देखूँ कहीं काली माता तो नहीं है अंदर। मैं अंदर गई, सारा अंदर से टूटा हुआ था, मैं अंदर गई, देखा काली माता वही विराजमान थी। हमने वहाँ जाके दर्शन करे, काली माता के चरण छुए, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी काली माता ने हमारी ली, और बहुत शुक्राना इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी माता रानी ने। फिर हम वहाँ से निकले तो आंटी बोली चलो मैं आपको माता रानी के भी दर्शन कराती हूँ। संगत जी वो मुझे लेके गई तो वहाँ गौ माता के भी दर्शन हो रहे थे, मतलब गौ माता थी, तो गौ माता के उन्होंने, आंटी बोली कि गौ माता के ना बछड़े के साथ दर्शन करो ना बहुत अच्छा होता है, आप गौ माता के भी दर्शन कर लो। मैंने गौ माता के दर्शन करे, मैंने हाथ जोड़ा, मैंने बहुत गौ माता की जय बोली और चढ़ाई से उसमें थी, वहाँ पर चढ़ के हम वहाँ माता रानी के दर्शन करके आए, जो पूरे एक पिंड माता का पूरा था और सिर्फ एक नीचे पूरा जैसे तालाब सा बना हुआ, उसके बीच में एक कमल का फूल सा निकला हुआ, उसमें माता के दर्शन जैसे वैष्णो देवी वैसा पूरा बना हुआ था। माता रानी के दर्शन करें, मैया ने बुलाया, माता के बहुत शुक्राने। संगत जी वहाँ से फिर हम निकले, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारे गुरु जी की गद्दी है। गुरु जी की गद्दी, तो मैंने कहा, मेरी बेटी बोली मम्मी आंटी से पूछो यही वाले गुरु जी। उन्होंने कहा अच्छा, जब मैं शिवलिंग के दर्शन कर रही थी तो आंटी बोली कि केदारनाथ गए हो? मैंने कहा नहीं आंटी। ऋषिकेश गए हो? मैंने कहा नहीं आंटी। कहते हो क्या हो? महाराज बुला रहे हैं। मैंने कहा आंटी जब उनका बुलावा होगा बुला लेंगे मुझे, मैं चली जाऊंगी। कहते हो के आना एक बार। मैंने कहा जैसे महाराज की इच्छा। तो फिर उन्होंने जब बोला कि यहाँ पर गद्दी, तो मैंने कहा, मैंने आंटी को दिखाया, कहते नहीं ये वाले गुरु जी नहीं है। पता नहीं कौन थे, कौन कहाँ से केदारनाथ, मैंने कहा भोले बाबा के लिए मेरे और ठाकुर जी,
बिहारी जी की गद्दी। मैंने कहा बिहारी जी की गद्दी? मैंने कहा भैया राधा कृष्ण बिहारी जी मुझे यहाँ दर्शन दे रहे हैं, मथुरा वृंदावन नहीं बुला रहे, यहाँ पर उनकी गद्दी पे मत्था टेक लिया। उनके गुरुजी जो उनके गुरुजी हमारे गुरुजी सब गुरुजी एक बराबर। मैंने अपने गुरुजी का वो करके वहाँ की गद्दी पे भी सिंहासन पे मत्था टेका। संगत जी फिर हम बाहर आ गए, वो आंटी भी हमारे साथ बाहर आ गई। अब हम सब बैठे हुए, उन वो आंटी बार बार कहें देखो इनके लिए मैकेनिक बुलाओ, इनकी गाड़ी क्यों नहीं ठीक हो रही। इतने में मेरा ब्रदर आ गया, मेरा भाई आ गया, वो भी मैकेनिक वगैरह लेके, उसने भी एक दो कॉल कर दिए। तो दो तीन मैकेनिक इकट्ठे हो गए। अब वो गाड़ी उनको समझ में ही ना आए क्या है। तो मंदिर में आरती हो रही थी, पूरा शिव जी जी के भजन चल रहे थे, और फिर उसके बाद साईं बाबा की आरती, पूरा वहाँ पर मुझे बिठाया, पूरी आरती सुनी मैंने। और संगत जी फिर ना जैसे हम वहाँ पर बैठे थे तो वहाँ के मंदिर के पुजारी आए, और ना वो आंटी भी मेरे पास ही आके बैठी। वो बैठी तो कहते हैं कि चल मैं आपको घर से खाना मंगा दूँ, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। मैंने कहा नहीं आंटी। कह रहे अगर विश्वास करो तो। मैंने कहा आंटी मेरा भाई आ गया है, मैं उसके साथ उसके घर चले जाएंगे, अभी यहीं पास में रहता है तो हम वहाँ खा लेंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हो। कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं आंटी कोई बात नहीं। तो फिर पंडित जी भी आके बैठ गए, तो वो ना वहाँ पर केदारनाथ का ही बताने लगे कि उसके पास दक्ष का कोई गांव है, वहाँ पर पार्वती और शिव जी की शादी हुई थी। मैंने कहा आज महाराज ने हमारे जो शिव पुराण का जूम मीटिंग चल रही है उसमें शिव पार्वती का विवाह ही दिखाया, संपूर्ण करवाया है। तो बहुत शुक्राने जो महाराज हमें ये सब, मेरे को इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। संगत जी वो दूर हुआ, और वो इतने में मेरा भाई बोला चल हम घर चल रहे हैं, जीजू आ जाएंगे बाद में। मैंने कहा चल। तो हम लोग गाड़ी में बैठे और घर आ गए। इतने शुक्राने महाराज के, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत शुक्राना, क्या महाराज ने हमें। जय गुरु जी। और संगत जी जब वो पूरा शेविंग साफ किया ना तो वो मेहंदी लग गई थी मेरे हाथों पे, हल्दी की या चंदन की जो भी। तो मैं महाराज से ये कह रही थी, मैंने कहा महाराज 25वीं की अभी से मेहंदी मेरे हाथों पे लगा थी, आपने ब्लेस कर दिया। और संगत जी वो गुरुजी उनके दूसरे हैं, ये वाले गुरुजी नहीं हैं जिन्होंने शिवलिंग स्थापित किया, वो कोई वहाँ पर केदारनाथ में हैं, वो रहते हैं और शिव आते हैं यहाँ पर भी, विराजमान होते हैं यहाँ पर भी, उनकी गति है। लेकिन ये हमारे वाले गुरुजी नहीं है, क्योंकि मैं उनसे तो मिल नहीं पाई। लेकिन गुरु गुरु है, कोई भी गुरु हो सबका सम्मान करो, अपना गुरु मान के ही मैंने उनकी गति पर मत्था टेका था। तो बहुत शुक्राने, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। अभी मैं आपको दूरवा और बेलपत्र के भी दर्शन कराती हूँ। जय गुरु जी।